वहीं जनवरी 2021 में संभावित ग्वालियर नगरी निकाय चुनाव के लिए 46 वार्डों और डबरा नगर पालिका के 30 वार्डों की आरक्षण की प्रक्रिया संपन्न हुई। कलेक्ट्रेट सभागार में शासन के निर्देशों के अनुसार ग्वालियर नगर निगम में लॉटरी सिस्टम में एससी एसटी कैटेगरी ओबीसी और सामान्य कैटेगरी वार्डों को आरक्षित किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और विभिन्न पार्टियों के नेता मौजूद थे। अब इसी की प्रक्रिया के मुताबिक नगर निगम और नगर पालिका के चुनाव कराए जाएंगे। नगर निगम ग्वालियर और डबरा के जो नगरीय निकाय हैं उनके वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया यहाँ पे प्रस्तावित है। नगर निगम ग्वालियर के वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया सभी लोगों के सम्मुख पूर्ण पारदर्शिता के साथ पूरी की गई। जो डबरा नगर पालिका है उसके आरक्षण की प्रक्रिया भी चल रही है, वो भी अभी पूरी हो जाएगी। जिसमें किस तरीके से वार्डों का आरक्षण हुआ है वो सभी लोगों को समझाया गया और सभी के सम्मुख उसका अनाउंसमेंट किया गया। कितना बदलाव हुआ है? नहीं, आपने देखा कि कुछ जो बहुत सारे वार्डों में चेंज आया है, जनरल में जो महिला वार्ड हैं, इसी तरीके से जो दूसरे वर्गों के लिए आरक्षित वार्ड हैं उनमें भी चेंज आया है। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चेंज आया है, सभी के सामने जो है उसको